नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक छोटा सा टॉपिक आज मैं और डिस्कस करूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी काम है, आप उसको कहते हो कि मैं आज नहीं, मैं कल कर लूँगा। और ध्यान को लिए भी आप लोग ऐसे ही सोचते हैं। जो लोग मुझसे लाइफ टाइम मेम्बरशिप के लिए जुड़े हैं, मेरे को हैरानी आती है कि 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं, महीना महीना हो जाता है, उनका कोई कॉल नहीं आता। एक महीने में एक मैसेज आ गया, भैया मैं आज ये ध्यान कर रहा था तो ये अनुभव हुआ। एक महीने तक आपने मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपकी क्या स्थिति चल रही है, आप क्या प्राप्त कर रहे हो। एक महीने में मैंने लोगों को कितना आगे क्या क्या दे दिया, आप अटेंटिव ही नहीं। मैं समझ जाता हूँ कि आप लोग ध्यान मिस कर रहे हो, आप ध्यान में छुट्टियाँ कर रहे हो। और ध्यान के लिए ही आज मैं ये बात कर रहा हूँ, ये वर्ड मैं आज आपको जो बता रहा हूँ ये ध्यान के लिए बता रहा हूँ। जो लोग ध्यान करते हैं उनको बीच में ध्यान के गैप नहीं रखना चाहिए, छुट्टियां नहीं करनी चाहिए। जब आप बीच में 5-7 दिन आप ध्यान छोड़ देते हो तो आपकी सारी जो अवस्था होती है ना, वो वहीं की वहीं वापस चली जाती है और उस बेहोशी में इतना कुछ गड़बड़ हो जाता है कि जो आपने इतना मुश्किल से अचीव किया एक बार में खत्म हो जाता है। एनलाइटनमेंट के बाद भी मैं कहता हूँ ध्यान करते रहना चाहिए। जो जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया ना, उसके बाद भी उसको ध्यान करते रहना चाहिए, तो कम से कम वो उसकी स्टेट बनी रहेगी, वो उससे छीनेगी नहीं। अगर वो जागृत रहेगा, साक्षी भाव में अवेयरनेस रहेगा, अवेयर रहेगा, पूरा विटनेस रहेगा, तभी तो वही उसकी जो प्रेजेंट मोमेंट है, वो प्रेजेंट मोमेंट में कब आएगा, जिसको कहा गया है वो प्रेजेंट मोमेंट परमात्मा में जाकर के स्थित होना है। यानी कि जो आप इस ब्रह्म अवस्था का नाम हो, आप यू आर द गॉड, यू आर परमात्मा, आपको खुद समझना है कि आप ही ब्रह्म हो। उस जगह को आपको प्रेजेंट मोमेंट में बनाना है, ना कि इस व्यक्ति को, इस अपनी मैं को परमात्मा नहीं बनाना। एक ये आई है और एक वो आई है, ये दोनों आई एक हो जाएंगे। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और धीरे 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 जब आप इस पूरी चीज को समझ जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा फिर आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो यूं चुटकियों में कुछ भी आप संकल्प करोगे कि ऐसा हो जाए और बस हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें होंगी तुरंत आपके मन में आएगा कि नहीं प्रभु ऐसा ना हो, आप बस मन से बोलोगे, आप अपने खुद को ही बोलोगे, वहां कोई और नहीं है जिसको आप कहने वाले हो, आप खुद ही एक संकल्प करोगे कि हाँ ये बुरा कार्य धरती में हो रहा है, ये ना हो, ऐसा कुछ ना हो। बस आपका इतना सा छोटा सा संकल्प, और आप जब इसके लिए, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको जो है डिले नहीं करना है, अपनी साधना में त्रुटियां नहीं लानी है, और खान पीन में भी अपना पूरा आपको संयम रखना है, और ध्यान के समय आपको ध्यान करना है। जो आपका 24 आवर्स में 1 घंटे का जो आपने समय रखा है या 2 घंटे का जिन्होंने रखा है, आपको वो अपना कॉन्टिन्यूसली उसी समय पर और उसी स्थान पर बैठ के साधना करनी है। मैं आपको ये भी कहूँगा, रोज जगह बदल बदल के साधना ना करें। जो भी आपका एक साधना का स्थान है अपना, जो भी आपका रूम है, आप उसी में साधना करें। वहाँ पर जब आप साधना करते हो तो वहाँ एक ऊर्जा का फील्ड बनता है, जिससे कि आपको ध्यान में पहुँचने में फिर बहुत आसानी हो जाती है। जिस ध्यान में पहुँचने के लिए आपको 3 घंटे वेट करनी पड़ती है, फिर आप 3 मिनट में पहुँचना शुरू करोगे। किसी एक स्थान पर बैठकर आप 1 घंटा ध्यान करके देखो, ऐसा 40 दिन करके देखो, और 40 दिन के बाद आप उस जगह की एनर्जी फील्ड देखो, कोई और व्यक्ति भी आकर अगर वहाँ ध्यान करेगा तो उसको भी जो है उसकी ऊर्जा महसूस होगी। जितने भी ऐसे जागृत मंदिर हैं वहाँ पर, मैंने कई जगह पे मैंने ऐसी ऊर्जा फील करी कि जैसे कि वहाँ पर किसी बहुत बड़े सिद्ध ने कई साल तक तपस्या की है, उनकी साधना वहाँ पर महसूस होती है। ऐसे ही गुरु जी छत्रपुर में, गुरु जी का बड़े मंदिर है, जो मेरी वाइफ के गुरु हैं, वो शादी से पहले ही मेरी वाइफ उन्हीं को मानती है। हम मेरी इंगेजमेंट के तुरंत बाद हम उस मंदिर में गए, मैंने अपनी वाइफ को अंदर मंदिर में एंटर करते ही मैंने कहा कि यार तेरे गुरुजी तो बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं। तो उसने कहा तुझे कैसे पता चला, मैंने कहा जो इनकी प्रेजेंस में साक्षात यहाँ पर फील कर रहा हूँ मैं, जैसे ही मैंने उस मंदिर में एंटर किया तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होना शुरू होगी, मेरे को उस ऊर्जा, मुझे शक्तिपात अपने अंदर पूरा महसूस होना शुरू हो गया। और वो मेरी वाइफ उसको महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अभी इतनी अवेयर नहीं थी, इतनी जागृत नहीं थी, तो उस चीज़ को नहीं महसूस कर पा रही थी। और मैंने वहाँ एंटर करते ही ऑटोमेटिकली, जो एक सिद्ध गुरु होते हैं वो शरीर छोड़ने के बाद भी अपने भक्तों पर, अपने साधकों पर अपनी कृपा करते रहते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद उनकी पावर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी तो जब तक वो शरीर में है तो थोड़ी पावर होती है, जब शरीर बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनकी पावर और ज़्यादा हो जाती है। तो वहां पर मैंने इसको पूर्ण तरह से महसूस किया। ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहां पर जो है भगवान की, परमात्मा की उस अनंत की कृपा बरस रही है।
तो ऐसे दोस्तों इस अवस्था को पहुंचने के लिए अपनी साधना में कोई त्रुटि ना करें, कोई गैप ना करें, छुट्टी ना करें। रोज आपका जो नियम है, जो आपका समय है, उसी समय पर नहा धोकर आप बैठ जाएं। जरूरी नहीं है, कई लोगों को होता है कि मुझे 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ये सब छोड़ दो। नींद आपकी पूरी होनी बहुत जरूरी है ध्यान के लिए। नींद, आपको ध्यान में बैठे और आपको नींद की झपकी आ रही है तो आपको ध्यान करने का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल रिलैक्स माइंड होना चाहिए, आप पूरी तरह से जागृत होने चाहिए, बिल्कुल आप एकदम, आपको एकदम फ्रेश होना है। थकाना नहीं है अपने आप को, आपकी आंखें बंद हो रही हैं और आप ध्यान कर रहे हो, ऐसा काम आपको नहीं करना, ठीक है।